आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव आज आप लोगों को फॉक्स प्रो में लूपिंग के बारे में बताऊंगा। लूप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले चलिए देखते हैं लूप होता क्या है। लूप लूप इसका दोहराव तब तक किया जाता है, मींस एक रिपीटेशन, ठीक है, आइटरेट, ठीक है। इसका दोहराव तब तक होता है जब तक कि आप एक फाइनल स्टेज तक ना पहुंचे, ठीक है। जैसे आपका घड़ी को आप देखेंगे कि आपका सेकंड का कांटा तब तक घूमता रहता है। देखिए क्या होता है कि आपका एक मिनट कब बढ़ता है आपका, जब ये आपका सिक्स टाइम आपका मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेकंड का कांटा इस तरह से काम करता है। और जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, तो इसके लिए क्या होता है, बार बार आपको दोहराव करना पड़ता है। मान लीजिए चलना पड़ता है, बार बार आप चलते जाते हैं तो ये आपका होता है फाइनल स्टेज तक पहुंचते। वैसा ही आपका लूप भी काम करता है। लूप में क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को क्या करता है, तब तक दोहराव कर देता है, करता रहता है जब तक कि क्या है, अपनी फाइनल वैल्यू तक ना पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, लूप में सबसे पहले लूप जो है वो आपका आता है फॉर लूप। फॉर लूप के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फॉर लूप किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीजें होती है, चलिए देखते हैं। अगर हम इसके सिंटेक्स के बारे में बात करें तो फॉर देन वेरिएबल इक्वल टू आईवी, आईवी मतलब इनिशियल वैल्यू, ठीक है, टू एफवी मतलब फाइनल वैल्यू, मतलब कहां से इनिशियल वैल्यू होगी और कहां तक फाइनल वैल्यू जाएगी, इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। फिर इसके बाद देन स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मींस इसके बीच में आप अंतराल कितने का चाहते हैं, ये आपको क्या होता है, स्टेप वैल्यू होता है, ठीक है। देन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद अपने लूप को बंद करना है। एंड फॉर से आप क्या करेंगे, अपने लूप को बंद, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है आपका, ये लूप बनता है, ठीक है। अगर हम इसको चला के देखें किस तरह से होता है, एक बार फिर से स्टेटमेंट को देखते हैं। फॉर देन वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल, जो वेरिएबल आप यहां डिक्लेयर करें, डायरेक्ट आपको डिक्लेयर करना है यहाँ वेरिएबल, ठीक है। कहीं भी आपको इनपुट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आपसे किसी चीज को कहा ना जाए, ठीक है। आई वी इनिशियल वैल्यू मतलब कहां से आपकी आपका मान स्टार्ट होना है, ठीक है। टू एफ वी मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मतलब कहां तक अपने आपको लूप को लेके जाना है। देन स्टेप वैल्यू, ठीक, स्टेप वैल्यू मीन्स आपका जो स्टेप दिया हुआ है, स्टेप के आधार पे आपको वैल्यू लेना है, ठीक है। वैल्यू मीन्स आपका क्या है कि कितने का अंतराल आपको अपने लूप में चाहिए है, उस अंतराल को आप यहां मेंशन करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आता है स्टेटमेंट, इसके साथ आप जो भी स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो स्टेटमेंट लगाइए। देन एंड फॉर, ये होता है आपका लूप के अंतर्गत, है ना, जो कि फॉर लूप में हमने यहां देखा। अगर इसको हम प्रोग्राम में देखें किस तरह से इसका प्रोग्राम बनाया जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए, चलिए, ये यहां हमने क्या किया है, आपकी नई फाइल बना ली है, हमको 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। 1 से 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। क्लियर, देन क्लियर के बाद फॉर, क्योंकि हमको यहाँ कोई इनपुट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ कोई भी इनपुट नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली क्या करेंगे, हम फॉर का यूज करेंगे। ए इक्वल टू 1, क्योंकि कहा क्या बोल रहा है कि आपका 1 से लेके 10 नंबर्स को प्रिंट करना है, मतलब 1 to 10 तक आपका लूप चलेगा। जब कभी आपको एक का अंतराल लेना होता है तो आपको स्टेप की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप स्टेप नहीं भी लगाएंगे यहां तो काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क लगाया, अब हमको यहां पर कोई मैसेज लगाने की आवश्यकता नहीं, हम मैसेज नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे एक को प्रिंट करेंगे। देन एंड फॉर, सेव करिए, देखिए
फाइल का नाम, देखिए 1 से 10 तक के नंबर आपके प्रिंट हो गए, ठीक है। ये एक तरीका था आपके नंबर्स को प्रिंट करने का। दूसरा तरीका हम देखते हैं, अगर हम अभी हमको क्या हुआ रो वाइज मिला, अगर हम इसको यहाँ डबल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉलम वाइज, कॉलम वाइज हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, आपके प्रोग्राम का निर्माण किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमको 2 का टेबल बनाना होता, तो कैसे बनाएंगे, क्लियर, ठीक है, देन फॉर। अब सिंपल अगर तरीका आप देखें तो क्या होगा, आप 2 से स्टार्ट करेंगे अपने लूप को, ठीक है, a इक्वल टू 2, तो कहां तक लेके जाएंगे 20 तक लेके जाएंगे, ठीक। यहां स्टेप लगाएंगे, स्टेप मतलब आपको कितने का अंतराल, भाई 2 के पहाड़े में 2 का ही अंतराल रहता है, ठीक है। ये देखिए, देन ये क्वेश्चन मार्क लगाइए, ए लिखिए, एंटर करिए, एंड फॉर, ठीक है, ये हो गया 2 ev। ये देखिए आपका फाइनल में क्या हुआ, आपका ये 2 का टेबल बन गया, ठीक है, ये 2 का टेबल इस तरह से आपका बन, क्लियर है। अब अगर हम क्या करें कि इसका एक सिंपल एक और चीज देखें जिसमें हम स्टेप को थोड़ा सा उल्टा चलाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे इसमें कि आपके 10 से लेके 1 तक के नंबर को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम को बनाए, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर फॉर a इक्वल टू 10 to 1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक एक का अंतराल चाहिए, लेकिन आप सोचेंगे स्टेप की आवश्यकता यहां नहीं है, लेकिन 10 से 1 तक का अंतराल है, ये 1 बढ़ नहीं रहा, यहाँ 1 कम हो रहा है, तो क्या करेंगे आप यहाँ स्टेप -1 करेंगे, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है आपका 1 कम हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप स्टेप -1 करेंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, 1 मिनट करेंगे, देन ये हो गया आपका एंड फॉर, इसको सेव करिए, रन करके देखिए, 10 से 1 तक के नंबर प्रिंट हो गए। अगर सी में आप क्या कर लेते, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते, ये भी हो 10 से 1 तक के नंबर आपके प्रिंट होते, ठीक है। कि ये कुछ बेसिक प्रोग्राम हमने देखा आज की क्लास में, है ना, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे के कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है उनके बारे में देखेंगे, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे चीजों को देखते हैं। ओके, थैंक यू।